पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पूर्व महापौर स्वर्गीय वीना अग्रवाल की छठी पुण्यतिथि मनाई गई। सर्वप्रथम कंपनी बाग स्थित स्वर्गीय वीना अग्रवाल पार्क में लगी मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और सभा की गई। पार्क में आयोजित सभा में मुख्य वक्ता विजय कौशल जी महाराज रहे। सभा में सभी ने अपने अपने विचार रखे और स्वर्गीय वीना अग्रवाल को याद किया। सभी ने स्वर्गीय वीना अग्रवाल के साथ बिताए हुए समय को साझा किया, साथ ही फूल मालाएं पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। जयप्रकाश जी आए और अपने विचार रखे। आज शहीद वीना अग्रवाल जी की नगर को विकास की गति देने का काम 1995 में हमारे वार्ड में अचूक अपने जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी गुरा देता हूँ। धन्यवाद। मैं अपने ओर से अपने क्षेत्रवासियों की ओर से सरदार 1993 में जब वो वीना जी कुछ भी नहीं थी, एक साधारण गृहिणी थी, उस समय महाराज जी के साथ 14 दिन के प्रवास थे। 14 दिन के प्रवास थे, 84 वर्ष की परिक्रमा पर आप वहां गई थी और उसके बाद महाराज श्री का इतना आशीर्वाद हुआ कि सन 2000 में केवल महाराज जी के सोचने मात्र से ही वो महापौर बन गए और लगातार महाराज जी का आशीर्वाद बना रहा। और इस बीच हमारे बीच नहीं है तो आज इस अवसर पर हम लोग यहाँ मौजूद हैं और वीना जी ऊपर से भी देख रही होंगी कि आज के दिन कितने लोग इनको स्मरण कर रहे हैं। वो जो भी हैं, जहाँ भी हैं, बहुत खुश हैं। इसके बाद दिल्ली रोड स्थित एक होटल में मंगल मिलन परिवार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विजय कौशल जी महाराज द्वारा प्रवचन और संकीर्तन की अमृत वर्षा की गई। समारोह में प्रवचन विश्राम के बाद आए सभी अतिथियों का स्वागत किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। विजय कौशल जी महाराज ने आयोजित सभा में स्वर्गीय वीना अग्रवाल की प्रतिमूर्ति प्रिया अग्रवाल को बताया, साथ ही कहा कि उनके सपनों को पूरा करना ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देखते होंगे जहाँ भी कुछ अच्छा आपको दिखाई देता होगा आपको हमेशा वीना जी याद आएंगे। इतना सौम्य, इतना मधुर, इतना सरल स्वभाव, इतनी विनम्रता भरी हुई, इतने बड़े परिवार की बहू होने के बाद, मेयर होने के बाद अत्यधिक सरलता, सहजता, ये दैवीय गुण किसी किसी देवता में ही प्रकट होते हैं। देवता ही मनुष्य रूप बनकर वीना जी के रूप में प्रकट हुआ और उनके स्थानापन्न हमारे आदरणीय विनोद अग्रवाल जी, लेकिन उनकी जगह ये कभी नहीं ले पाएंगे। वो जिस ऊंचाई पर थी, मैं चाहूंगा कि विनोद जी उस ऊंचाई को स्पर्श करने की कोशिश करें। हैं? वो तो बिटिया रानी है हमारी, वो तो अभी भी वीना जी की ही प्रतिमूर्ति है। मुझे लगता है पूरी की पूरी वीना जी हमारी बहू रानी में समा गई है। तो ये बहुत सौभाग्य होता है। मेयर बहुत होते हैं प्रदेश में, मैं सब जगह जाता हूँ, लगभग लगभग सब मेयर मिलते जुलते हैं, लेकिन इतना सरल, सहज का, इतना बड़ा व्यक्ति इतना सामान्य भी रह सकता है, सबसे मिलना जुलना और विकास में इतनी रुचि ले सकता है, ये रेयर होता है। वीना जी एक आदर्श है सारे प्रदेश के मेयरों के लिए, सारे प्रदेश के नगर पालिका में जो अभी पार्षद आदि बंधु चुनकर आए हैं उनके लिए वीना जी नींव की पत्थर है, वो मील है, वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है इसका प्रयत्न करना ही वीना जी को श्रद्धांजलि होगी। मैं बहुत बहुत उस देवी को, महादेवी को, महात्मा को,
हृदय से प्रणाम करता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ। इतना सुंदर पार्क में इसमें कथा करने आया था, तब तो बहुत उबड़ खाबड़ और वैसा था, लेकिन आज तो दिल्ली में भी इतना सुंदर पार्क नहीं दिखाई देता है जितना यहाँ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत पूरी की पूरी जो आपकी महानगर पालिका है, सभी यहाँ के मेयर साहब, आप सब बंधु सभासद के रूप में और जो भी छोटे बड़े सब कर्मचारी, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। पब्लिक टीवी आप